बेगूसराय भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति बिहार एवं भारतीय फ्रेंड्स क्लब ट्रस्ट के तत्वाधान में शनिवार को फुलवरिया के रिबाड़ी स्थित मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव भारती, भारती फाउंडेशन के संजय मिश्रा, नगर परिषद बीहट के दीपक मिश्रा, दुकानदार संघ बरौनी से हीरा मिश्रा तथा ई रिक्शा चालक संघ से संतोष शाह, संजय राउत, पिंटू पंडित, विकास कुमार, मोहम्मद आशिफ, मिथिलेश मिश्रा आदि लोगों की उपस्थिति रही। बरौनी बीहट 12.0 माइल के अलावा बरौनी रेलवे स्टैंड से जुड़े सभी ई रिक्शा के साथ लगातार बदसलूकी एवं अवैध वसूली का आरोप टेम्पू स्टैंड ठेकेदार पर लगाता रहा है, लेकिन चालक की एकजुटता एवं जिम्मेदार लीडर के अभाव में न्याय दम तोड़ता रहा। अंत में ई रिक्शा चालकों ने उपभोक्ता संरक्षण समिति से संरक्षण देने में सहयोग मांगा गया, जिसमें समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी चालकों को एकजुट होकर एक जगह जुटने का समय निर्धारित किया। निर्धारित समय पर आए लगभग 1000 चालकों के बीच डॉक्टर भारती ने बैरियर ठेकेदार को बुलाया। इन्होंने स्टैंड में निर्धारित पार्किंग करने वालों से ही केवल बैरियर लेने की बात कही तथा सड़क पर गुजरने वाले गाड़ी सहित मोटरसाइकिल एवं साइकिल से होने वाली जबरदस्ती को बंद करने को कहा। ठेकेदार ने अपनी गलती स्वीकार किया तथा समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णय मानने को तैयार हुए, लेकिन लॉकडाउन में लगे घाटा से उबरने में सहयोग मांगा। समिति ने साफ साफ कहा कि चालक बैरियर नहीं देंगे, अगर घाटा से उबरने के लिए मदद चाहिए तो 2 महीना आर्थिक सहयोग समिति के शर्त के अनुसार देंगे। अंततः चालक और समिति के शर्त को मानते हुए सहमति से तय हुआ कि 24 घंटे में मात्र एक बार 15 रुपया सहयोग दिया जाएगा। शिकायत मिलने पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी चालक के प्रतिष्ठा के साथ अगर कोई ठेकेदार के स्टाफ के साथ खिलवाड़ तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। समिति ने क्षेत्र से जुड़े सभी रिक्शा चालकों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर एवं चिन्ह उपलब्ध कराएगी, जिसे रिक्शा में चिपका कर चलना होगा। 14 अप्रैल के बाद जिस रिक्शा में समिति द्वारा जारी स्टिकर नहीं रहेंगे, उस पर यूनियन दंडात्मक कार्रवाई करेगी। सभी चालक अपने यूनियन लीडर की घोषणा अम्बेडकर जयंती समारोह के दिन तारा अड्डा बाबा स्थान में करेगी। समिति रिक्शा चालकों तथा दुकानदारों की संरक्षण हेतु एक संरक्षण समिति गठित की है। बीएनपी न्यूज के लिए तेघड़ा से संवाददाता मिराज आलम की रिपोर्ट। किस चीज की बैठक आयोजित हुई आज? ई रिक्शा के ऊपर जो लगातार हमला ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा था, उसके लिए कल बैठक हुई थी। ई रिक्शा चालकों के साथ और ठेकेदार के बीच में समझौता हुआ, जो बरौनी क्षेत्र में जितने भी रिक्शा चालक हैं वो ठेकेदार को 24 घंटा में 15 रुपया का सहयोग देंगे। बैरियर देना हम लोग नहीं चाह रहे, ये तय किया गया। जो लॉकडाउन में जो घाटा ठेकेदार को लगा उसको मदद करने के लिए हम लोग 15 रुपया 2 महीना के लिए तय किए हैं, जो 24 घंटा में एक बार ई रिक्शा वाला देंगे। और इसी समझौता को आज हम लोग प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो ये हम लोग बैरियर नहीं देके केवल उसको सहयोग दे रहे हैं, और जो भी ई रिक्शा वाले बिना यूनियन के लोगों लगाए या रजिस्ट्रेशन किए चलाएंगे उस पर दंडात्मक कार्रवाई यूनियन करे। निर्णय लिया गया इसको बैठक आज हमारे भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति के डॉक्टर संजीव भारती द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था कि जो ई रिक्शा चालकों के साथ जो समस्याएं हैं बैरियर को लेकर, उसका तो निदान इन लोगों ने मिलकर कर लिया और बहुत ही अच्छा निदान ढूंढा है। इसके लिए डॉक्टर भारती और जो और भी सदस्य हैं उनको सब पहले बधाई, और उसके बाद जहाँ तक मेरी बात है तो उस संरक्षण समिति में डॉक्टर भारती के द्वारा मुझे भी सदस्य बनाया गया है। और चूंकि मैं समाज सेवा से लगातार जुड़ा हूँ और इनके संरक्षण या इनके ऊपर किसी भी तरह के कोई मामला होता है जो ऐसा प्रतीत होता हो कि कहीं ज्यादती हो रही है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों की राय है कि इन लोगों को संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी हिदायत हम ई रिक्शा चालकों को भी दे रहे हैं कि वह भी लोगों से मनमाना किराया वसूल नहीं करके
जो उचित किराया होता है उसी की वसूली करें। चूँकि उपभोक्ता संरक्षण के जो हमारे मित्र हैं उनकी दायित्व है कि दोनों पक्षों को देखना, जो ग्राहक हैं उनकी भी सेवा उचित रूप में उसे मिले और यह भी किसी तरह के शोषण का शिकार नहीं बने। बस यही मामला था।